नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उप्स कॉन्सेप्ट और क्लास कॉन्सेप्ट, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल भी किए थे। ओके दोस्तों, आज का दोस्तों ये जो वीडियो है वो है एक्सेस मॉडिफाई के ऊपर। ओके दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, ये क्या करते हैं, या आपके क्लास में जो मेम्बर होते हैं, क्लास के दो ही मेम्बर होते हैं, डाटा मेंबर और फंक्शन मेंबर। डाटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स और फंक्शन मेंबर यानी मेथड्स। ओके, तो वो जो वेरिएबल जो होते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी लेवल होती है, मतलब वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं, चाइल्ड क्लास में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनके बीच में एक्सेसिबिलिटी लेवल जो है प्रोग्रामिंग के दरमियान प्रोवाइड किया जाता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो है ऐसे डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो होता है आपका पब्लिक। हमेशा याद रखिए इस चीज़ को दोस्तों, डिफ़ॉल्ट जो होता है, यानी अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर अगर आप नहीं लिख रहे हैं पीएचपी में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होता है। ओके दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए नोट में मैंने लिख रखा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इज़ पब्लिक, अगर आप नहीं लिखते हैं तो पब्लिक माना जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाने से दोस्तों क्या होता है, वो जो चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, वो क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा, चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होगा और क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होगा, यानी तीनों प्लेस पे आप पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो क्लास है, एक क्लास पापा क्लास है और एक क्लास चाइल्ड क्लास है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है इनहेरिटेंस, किस लिए यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग जो है एक्सेस मॉडिफायर पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया लर्नर सड्डा, उसके अंदर वैल्यू है, फिर यहाँ डिस्प्ले करके यानी डिस्प करके मैंने एक मेथड लिया है फंक्शन, उसके अंदर मैं नेम को एक्सेस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, और फिर देखिए चाइल्ड वाले क्लास में यानी जो पापा को एक्सटेंड किया है उसके अंदर भी शो नाम का एक फंक्शन बनाया है और उसमें भी नेम को एक्सेस किया जा रहा है, आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट में नेम को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। ओके दोस्तों, और डिस्प्ले और शो को भी एक्सेस कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रही है। ओके ओके दोस्तों, तो पब्लिक का मतलब क्या हो गया कि आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं डिटेल, मैंने लिखा है कि क्या क्या है। सबसे पहले पावर क्लास क्रिएट किया गया है, चाइल्ड क्लास जो प्रॉपर्टी नेम है और उसके अंदर डिस्ट मेथड है, दूसरा चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हमने जो है शो नाम का फंक्शन क्रिएट किया और शो नाम में हमने क्या किया, नेम को एक्सेस किया है। ओके, वही सारा डिटेल मैंने यहाँ पे दोस्तों लिखा है। ओके, अब बात करते हैं जो दूसरा जो है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो है दोस्तों प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके दोस्तों, प्रोटेक्टेड मेंबर का मतलब क्या होता है, जो क्लास इनहेरिट करेगा यानी जो चाइल्ड क्लास होगा, चाइल्ड क्लास में ही और ऑन क्लास में अपने क्लास में ही प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस होगा, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, सिर्फ चाइल्ड क्लास में होगा और विद इन द क्लास में, तो अपने ही क्लास में हो सकता है लेकिन क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। मीन्स प्रोटेक्टेड मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली, इट कैन बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास मीन्स इन इट्स ऑन क्लास और इनसाइड द चाइल्ड क्लास। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए एक्स और वाई, मैंने दो वेरिएबल लिया है, 500 का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पे दोनों देखिए एक्स और वाई यहाँ भी ऐड किया गया है, और गौर से समझिए एक्स और वाई को यहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, दिस कीवर्ड क्या होता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स को भी एक्सेस हो रहा है और देखिए चाइल्ड क्लास में भी एक्स और वाई दोनों एक्सेसिबल है। ओके, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ देखिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर दोनों को कॉल किया, दोनों ही कॉल हो जा रहा है बिना एरर का। ओके दोस्तों, और जो तीसरा जो दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर होता है वो है हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है दोस्तों वो सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। ओके, चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं होगा वो, और आउटसाइड द क्लास तो खैर होगा ही नहीं।
हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास ही प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल होता है, इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखनी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, नेम जो है प्राइवेट बनाया, यहाँ पे एक्सेस किया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस जो हो जाएगा। ओके, यहाँ दोस्तों मैंने मैसेज लिखा है, और यहाँ पे देखिए एक्सेस करने की कोशिश किया तो क्या आएगी, एरर आएगी। ओके दोस्तों, शो में भी एरर आएगा, क्यों आएगा, यहाँ देखिए शो में तो लर्नर शट डाउन, नहीं दोस्तों यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि एक्सेसिबल है ही नहीं, हो जाएगा आसानी से। शो क्या, हाँ शो प्राइवेट है, एरर ई डबल आर ओ आर। ओके, शो क्या है देखिए गौर से, क्या है प्राइवेट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल ये नहीं होगा बाहर क्लास का। ओके, और नेम भी यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। ओके दोस्तों, इसलिए क्या आ रही है, यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। ओके दोस्तों, फटलर कॉल टू प्राइवेट मेंबर पापा शो। ओके, तो अब चलिए इन्हीं सारे को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल से भी चीज़ों को समझते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्वर स्टार्ट है कि नहीं पहले से चेक कर लें। तो चलते हैं दिस पीसी, अगर विंडो 10 है तो, और यहाँ पर आ गए सी ड्राइव के अंदर और जैम्प के अंदर, उसके बाद एच टी डॉक्स, और यहाँ पर हमने चले गए नीचे आ गए जहाँ पे सेव करना है। दोस्तों यहाँ पे सारा फाइल्स को देखिए, लर्नर अंडर के अंदर में सेव कर रहा हूँ, इसी प्रकार जो भी आप फाइल बनाए होंगे वहाँ पे सेव करेंगे। फिर आ जाइए एच टी डॉक्स से बाहर जैम्प के अंदर, और सर्वर को स्टार्ट करने के लिए जैम्प कंट्रोल पे राइट क्लिक, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और यस कर लीजिए। ओके दोस्तों, और यहाँ देखिए ऑलरेडी मेरा स्टार्टेड है तो मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने स्टॉप कर लिया अपना सर्वर को और वापस मैंने स्टार्ट कर लिया। ओके दोस्तों, और अब आपको स्क्रीन पर देख भी रहा है कि हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका सर्वर दोस्तों स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया और चले हम अपना नए प्रोग्राम की ओर। तो मैं यहाँ पर एक नया फाइल ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने एक नया फाइल ले लिया समझने के लिए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को समझने के लिए। तो मैंने लिया यहाँ पर, सबसे पहले तो सेव करना है दोस्तों, तो फाइल में जाकर सेव एज। ओके, और हमने यहाँ पर लिख दिया ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस, एक्सेस ही लिखता हूँ सिर्फ, डॉट पी एच पी। ओके दोस्तों, और मैंने सेव कर लिया, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो पी एच पी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लूँ, पी एच पी, और यहाँ पे हमने कर लिया ओके कंट्रोल एस। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्लास बनाया सी एल ए डबल एस क्लास पी ए पी ए पापा क्लास। ओके, और इसमें मैंने यहाँ लिखा डॉलर एन ए एम ई नेम। ओके दोस्तों, और इक्वल में यहाँ लिख दिया ई ए आर एल ई ए आर एन ई आर एस लर्नर्स अड्डा। ओके, और मैंने यहाँ पर ये कर दिया, डिक्लेयर करके छोड़ दिया, मैंने अभी कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया दोस्तों। ओके, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया एफ यू एन सी टी आई एन फंक्शन शो एस एच ओ डब्ल्यू शो नाम का बना सकते हैं आप, जो मैंने टेक्स्ट फाइल में अभी दिखाया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, वो भी सही है सारा बिल्कुल। और मैंने यहाँ पर इको ई सी एच ओ इको और हेलो हेलो पापा पी ए पी ए। ओके दोस्तों, ये मैंने सेव कर लिया, और अभी मैं चाइल्ड क्लास नहीं बना रहा हूँ। ओके, अभी मैं सिर्फ क्लास को अपडेट बनाता हूँ पहले, तो डॉलर ओ बी जे इज इक्वल टू एन ई डब्ल्यू न्यू पी ए पी ए। ओके दोस्तों, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉल किया किसको, शो को, तो डॉलर ओ बी जे ओ बी जे फिर एरो का साइन और शो एस एच ओ डब्ल्यू शो।
ओके दोस्तों, कंट्रोल एस और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डॉलर ओ बी जे, फिर यहाँ एरो का साइन और क्या है दोस्तों हमारा नेम एन एम ई नेम, ओके दोस्तों उसको भी मैंने एक्सेस कर लिया। देखिए मैंने कहीं भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है। ओके दोस्तों और हम चलते हैं एक्सेस को रन कराते हैं। तो यहाँ आ गया हूँ मैं ब्राउज़र पे। ओके दोस्तों सर्वर मैंने पहले ही स्टार्ट कर चुका हूँ। तो पहले लोकल होस्ट लर्नर सड्डा और ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस डॉट पी एच पी इंटर। यहाँ अनएक्सपेक्टेड, अच्छा नेम मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है डॉलर नेम और यहाँ पर मैंने लिखा वी आर वेयर। ओके दोस्तों कंट्रोल एस और अब हम रन कराते हैं इसे। वापस आ गए और हमने रिफ्रेश किया तो क्या आ रहा दोस्तों, हेलो पापा आ रहा है। ओके दोस्तों और मुझे अब इसको रन कराना है तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें ऐसे एरर तो नहीं आ रही है लेकिन डिस्प्ले भी करना है तो इको के साथ लिख दीजिए इसको इको, और ये जो है पूरे को इको के साथ लिख दीजिए तभी डिस्प्ले भी हो जाएगा, नाम भी आपको कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल एस। ओके दोस्तों और अब हेलो पापा के साथ साथ आपका लर्नर्स अड्डा भी दिखेगा। ये देखिए लर्नर्स अड्डा भी आपको दोस्तों दिख रहा है। अभी मैंने कोई सा भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है दोस्तों, तो मुझे साथ में ब्रेक भी चाहिए तो यहीं पे बी आर लगा देता हूँ बी आर। ओके दोस्तों कंट्रोल एस, अब वो आपको दोनों ही न्यू लाइन पे दिख रहा है। ओके दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए अब मैं लिखता हूँ पब्लिक पी यू बी एल आई सी। ओके दोस्तों कंट्रोल एस और वापस आ गया और मैंने रिफ्रेश किया, एक एरर आ रही है अनएक्सपेक्टेड वेयर। ओके वेयर को इधर लिखिए पी यू बी एल आई सी। ओके दोस्तों इधर होना चाहिए और कंट्रोल एस। ओके अब रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है एक्सपेक्टिंग वेरिएबल अनसिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड पब्लिक। ओके यानी दोस्तों जब आप पब्लिक लिख रहे हैं तो आपको वेयर लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इसको हटा ही दीजिए आप। ओके दोस्तों कंट्रोल एस देखिए और यहाँ पे भी पब्लिक लिख दीजिए यू बी एल आई सी। ओके दोस्तों हमने पब्लिक लिख दिया दोनों ही जगह पर और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोनों ही रन कर रहा है, यानी पब्लिक नहीं लिखे थे तो भी रन कर रहा था और जब आपने पब्लिक लिखा एक्सेस मॉडिफायर तब भी रन कर रहा है। या इससे पता चलता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है पीएचपी में वो होता है पब्लिक। ओके दोस्तों अब मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, सपोज़ करिए अब मैं इसको प्राइवेट करता हूँ पी आर आई वी ए टी ई प्राइवेट, ठीक है और इसको भी प्राइवेट करता हूँ दोस्तों पी आर आई वी ए टी ई। ओके दोस्तों प्राइवेट कर लिया तो मैंने बताया क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले अब रन करेगा तो एरर आएगी, ये देखिए क्या है अनकाउट एरर कॉल टू प्राइवेट मेथड पापा सो फ्रॉम कंटेक्स्ट जो भी है पाथ आपका का और उसी प्रकार। तो ये आपको समझने वाली बात है कि प्राइवेट मेम्बर जो होता है दोस्तों वो एक्सेसिबल नहीं होता है क्लास के बाहर, इसलिए दोस्तों ये एरर आ रही थी अभी। ओके तो हम क्या करते हैं अब इसको प्राइवेट हटा देते हैं। ओके दोस्तों प्राइवेट हटा दिया और अब मैं थोड़ा इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड को अगर सीखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लास बनाया सी एल ए डबल एस क्लास चाइल्ड एच आई एल डी चाइल्ड ई एक्स टी ई एन डी एस एक्सटेंड्स पापा पी ए पी ए। ओके दोस्तों और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों
अब यहाँ पर ड्राइवर तो बाहर एक्सेसिबल होगा नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है, UBLIC पब्लिक। ओके दोस्तों, प्रोटेक्टेड हमने नेम को बना दिया और बना दिया पब्लिक इसको शो को। ओके तो अब मान लीजिए चलते हैं वापस हम लोग प्रोटेक्टेड वाले पे। तो यहाँ देखिए, अगर बात करें प्रोटेक्टेड के केस में, ठीक है, तो आसानी से आप, मैंने बताया था चाइल्ड क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई को मैं यहाँ पे भी दोस्तों एक्सेस कर रहा हूँ। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों जगह एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसी प्रकार मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे शो मेथड है ही, और यहाँ पर मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन FUNCT एंड फंक्शन DISPLAY, डिस्प्ले बना लिया। और यहाँ पे भी दोस्तों मैं उसे एक्सेस करने जा रहा हूँ। ओके तो कैसे करेंगे एक्सेस, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यहाँ पे अगर एक्सेस करना हो तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, &NBSP हो गया दोस्तों स्पेस के लिए। फिर यहाँ पर डॉट, ओके, और हमने यहाँ पर दोस्तों लिखा सबसे पहले डॉलर THIS दिस, फिर एरो का साइन, फिर वेरिएबल का नाम नेम। ओके दोस्तों, उसी प्रकार अगर यहाँ पे करना हो तो ECHOE को, और फिर से डॉलर THIS दिस एरो और वेरिएबल का नाम। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ मैं न्यू लाइन में चाहता हूँ इसको, तो आप यहीं पर BR लगा दीजिए। ओके दोस्तों, कंट्रोल S, ये हमने कर लिया। अब जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाला, अब मैं पापा का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँगा, चाइल्ड को बना रहा हूँ, CHILD। ओके दोस्तों, और कंट्रोल S, हमने ये कर लिया। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया, चाइल्ड का शो को मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कॉल हो जाएगी। ओके दोस्तों, और नेम क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो अब आएगी कंट्रोल S, अभी इसको मैंने चेंज नहीं किया। ओके दोस्तों, अब वापस आया, इसको रिफ्रेश किया, अभी भी एरर आ रही, देखिए हेलो पापा आगे अनकाउट कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर आपने क्या किया है, डायरेक्ट प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को आपने एक्सेस करने की कोशिश किया है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है अनकाउट एरर, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी चाइल्ड नेम। ओके, इसको रिफ्रेश करिए, एरर जा चुका है। ओके दोस्तों, अब मान लीजिए अगर आपको डिस्प्ले कॉल करना है, आप डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं, तो डॉलर OBJ एरर दे दिया, और डिस्प्ले DISPLAY। ओके दोस्तों, डिस्प्ले को हमने कॉल कर लिया, तो क्या आ जाएगा, लर्नर सट्टा, यहाँ तो कॉल होगा ही, दो बार आएगा। हमने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए लर्नर सट्टा यहाँ से भी कॉल हो जा रहा है, यानी क्या मैंने एरर बताया, यहाँ पे क्या आएगी एरर, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, इट इज़ एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास ओनली इनसाइड द चाइल्ड क्लास। तो यहाँ देखिए चाइल्ड क्लास में नेम को आप एक्सेस हो रहा है। ओके, हेयर प्रोटेक्टेड मेंबर इज एक्सेसिंग HERE हेयर OTECTED प्रोटेक्टेड मेंबर MEMBER member is has access has ACCESSED has access control S okay here protected member has access। तो हमने access कर लिया है दोस्तों। okay child, तो ये समझ में, ये अच्छी तरीका से
और एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आप, पब्लिक मेंबर जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ क्लास, अपने क्लास के अंदर, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, एज वेल एज इनसाइड द चाइल्ड क्लास, एवरीवेयर कैन बी एक्सेसिबल। इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनी वर्ड एक्सेस मोडिफायर, देन डिफॉल्ट विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक। ओके, प्राइवेट मेंबर जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है और क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, इवन चाइल्ड क्लास में भी नहीं होता है। ओके दोस्तों, और प्रोटेक्टेड मेंबर जो होता है दोस्तों, वो अपने क्लास में एक्सेसिबल होगा, विद इन द क्लास एज वेल एज इन साइड द चाइल्ड क्लास, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि यहाँ पर मैंने नेम को जो लिया है प्रोटेक्टेड मेंबर, वो मैंने चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले के अंदर भी कॉल किया है और पापा वाले क्लास के अंदर जो है शो मेथड उसके अंदर भी कॉल किया है, और दोनों जगह पे सक्सेसफुल एक्सेसिबल हो गया है। लेकिन आप देखेंगे क्लास के बाहर जो मैंने यहाँ पर इको जो कमेंट किया है, यहाँ पे एरर आ रही है। ओके, ई डबल आर ओ आर, ओके, उसमें यहाँ पर एरर आ रही है। क्यों आ रही है एरर? उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेम्बर को डायरेक्ट आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये ऑल अबाउट था हमारा एक्सेस मोडिफायर के बारे में। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। दोस्तों, अगर कुछ भी दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।